बोला। शुक्र है खुदा का, आप ठीक तो हैं। हेलेन, हेलेन, दुकास और बाकी सब कहाँ हैं? दुकास, अतलुस, वो सबके सब मारे गए निकोला। दुकास, उसको उसके गुरूर ने ही उसे खाक में मिला डाला। जब देखो फता 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 कर रहा था, फता के बजाय उसने हमें शिकस्त दिलाई है। हेलेन, उस्मान ने शहंशाह को एक जबरदस्त जर्ब लगाई है, लेकिन एक ऐसी चीज है जिसे वो नहीं जानते। शहंशाह और उसका मगरूर बेटा मेरे पाबंद होंगे, मेरे पाबंद। एक नए दौर का आगाज होगा। अब से मैं पहले से ज्यादा मजबूत होऊंगा, ज्यादा मजबूत। हेलेन, तुम महफूज रास्ते से कल सुबह कले पहुंचो। पैदल चलकर मुझे जल्दी पहुंचना होगा। निकोला? आपने मुझे मायूस नहीं किया। जिस तरह मैंने मेहनत से आपके लिए तलवारें तैयार की, ऐ दोनों जहानों के मालिक, मैं आपसे इन नफा बख्श चीजों की दुआ करता हूँ जो हमारे सरकार दो आलम ने हमारे लिए मांगी। हे माशाल्लाह। आज हम अपने मुस्तकबिल के लिए लड़े। शुक्र है अल्लाह का के हम फखर से वापस आए और अर्तुरुल गाजी के असीम वतन को फतह किया। उस्मान साहब जिंदाबाद, उस्मान साहब जिंदाबाद। ये फतह खास तौर पे तो मिल्लत की फतह है, सबसे पहले उन माओ की फतह है जिनके बेटे इस जंग में शरीक हुए। ये फतह उन बहनों की है जो अपने शोहरों और भाइयों को जंग के लिए भेज दी है। ये हम सब की फतह है। ये फतह इस्लाम के परचम तले बनने वाली ऐसी पहली रियासत होगी जो अबद मुद्दत तक कायम रहेगी। लेकिन ये बात मत भूलिएगा कि फतह की हुई सरजमीन की हिफाजत करना किसी नई सरजमीन को फतह करने से ज्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए हम इसे कारखानों के साथ
मसाजिद के साथ जिसमें हम इबादत करते हैं, और उस मुस्तकबिल के साथ जिसके लिए हम कोशिश करेंगे, इस सरजमीन को जिसे हमने अपना खून दिया, एक अजीम रियासत बनाएंगे, और उस रियासत में अदालतें इंसाफ भी देंगी। बगावत करने वाले का अदालत के अंदर सर भी उतारा जाएगा। इस्लाम, अल्लाह का कलाम, हमारी रियासत, हमारी मिल्लत और हमारा इंसाफ दायमी होंगे। अल्लाह राजी हो, अल्लाह राजी हो। आपने सिर्फ मैदान जंग ही फतह नहीं किया, बल्कि आपने इंसाफ से हमारे दिलों को फतह किया। या अल्लाह, तेरा शुक्र है तूने मुझे मेरे बेटे से मिला दिया। और इस फतह के साथ आपने रोशन किया हमारी तारीख तकदीर को उस्मान साहब। शुक्रिया दाऊद उस्ताद, शुक्रिया। अहमद सिपाही, या अल्लाह तेरा शुक्र है। जीते रहो बेटा, जीते रहो। इधर आओ मेरे बेटे, इधर आओ। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा लाख लाख शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है कि आप सही सलामत वापस आए। अल्लाह का शुक्र है खातून कि हम सही सलामत यहाँ हैं। आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम फिक्र ना करो खातून। शुक्र है आप सही सलामत वापस आ गए बाबा। मैं तुम्हारे बच्चे से मिलने का ख्वाहिशमंद हूँ बेटी, मैं कैसे वापस नहीं आता। माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मेरे बेटे तुम आ गए। बाबा जान, बाबा जान, तुम वापस आ गए। अल्लाह का माशाल्लाह। आप हमेशा फतहयाब रहे उस्मान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया मलहून खातून। शुक्रिया बाला। अल्लाह का शुक्र है कि हम इस फतह को देखने के लिए जिंदा रहे। आपकी फतह और आपके बच्चे की खबर ने कबीले में अमन कायम किया। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे उस्मान। ये दोहरी फतह है। इस तरह दोनों को साथ देखना, ये दोनों की ही फतह है। मेरे रब का लाख लाख शुक्र है। उस्मान साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो हमें आपसे बात करनी है। क्यों नहीं, जरूर अंदर चलिए। बुरान गुंजा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। अल्लाह का शुक्र है कि आप फतायाब लौटे। जहाद मुबारक हो। आमीन। तुम किस बारे में सोच रहे हो चरकुताए? मैं सोच रहा था कि माले गनीमत, क्या वो मेरे जहेज के लिए काफी होगा? अपने आप को देखो, बहुत दिल वाले हो। वो खुशकिस्मत खातून कौन है मुझे बताओ, जानना चाहती हूँ। वो नहीं जानती कि वो
कितनी खूबसूरत है और कितनी बहादुर खातून है। वो मेरे दिल की सुल्तान है। आलाजा खातून, जोया नजर नहीं आ रही, वो कहां पर है क्या आप जानती हैं? बताए ना। बाला खातून ने हमारे बच्चे की जान बचाई उस्मान साहब। फखर है तुम पे, तुमने इन दोनों की जान की हिफाजत की। अल्लाह राजी हो तुमसे बाला खातून। जोया और वो बूढ़ी औरत का क्या करना है? जो बच्चे के कातिल की सजा है वही उनको दी जाएगी। गुप्तुक, सरदार की खातून और उनके होने वाले बच्चे को कत्ल करने का सोचा भी कैसे तुमने? मेरे साथ क्या होगा? होगा ये कि तुम अपने ही जहर से मरोगी। नहीं नहीं। सिपाहियों को परेशान मत करना, खाओ और मर जाओ। मुझसे गलती हो गई, मुझे बचा लो। गोक्तुक रुको, गोक्तुक मुझे यहाँ छोड़ के मत जा। गोक्तुक मेरी बात सुनो। गोक्तुक माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम उस्मान बेटा, आओ बैठो। बहुत शुक्रिया। बैठ जाओ। तुम्हारी आंखें एक मलकूती रोशनी से मुनव्वर हैं उस्मान बेटा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अपने बच्चे की पैदाइश का तुम्हें इंतजार है। वो रियासत जिसका तुमने बेसब्री से इंतजार किया उसका वक्त करीब है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अगर मैदान जंग में तन्हा भी रह गया तो भी अर्तुरुल गाजी का जानशीन उस्मान
आखिरी सांस तक भी अल्लाह के कलाम के मुताबिक जिहाद से पीछे नहीं हटेगा। तुम्हारा सब्र, तुम्हारा ईमान और ख्वाहिश ने तुम्हें अकलमंद बना दिया है। अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। बाज़ंतीनियों को शिकस्त दी, उस फतह की हवा जो तुमने हासिल की वो बढ़ती जाएगी, सारे आलम में फैलेगी, मशरिक से मगरिब तक। अब ये रुकने वाली हवा नहीं है उस्मान बेटा। ऐ शुक्रिया, शुक्रिया। ये हवा सिर्फ तुर्कों को ही तुम्हारी सरजमीन पर नहीं लाएगी, बल्कि तमाम गांव, कबाइल, शहर खुशहाल होंगे सब के सब। शहरों को फतह करना और फिर उन्हें खुशहाल बनाना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारे खानदान का मकसद होगा। तुमने वो जंग बखूबी जीती, बाज़ंतीनियों और काफिरों को मौत की नींद सुला दिया। अब वो अपने कलों से बाहर नहीं आ सकेंगे जहां वो पनागुजी हैं। ये बात जानता हूं मैं, तुम्हें ललकारने की हिम्मत उनमें नहीं है। तुमने 72 तुर्क कबाइल को खुशामदीद कहा और उनके लिए दिल के दरवाजे खोल दिए। इसका मतलब है रियासत की बुनियाद रखना। बेटा, तुम्हारे इस मुकद्दस मकसद में रब ताला तुम्हारी मदद करे। आमीन, आमीन। इंशाल्लाह ये तो अभी शुरुआत है। इंशाल्लाह इस्लाम के नूर से रोशन करेंगे रास्ता अपना और मंजिल तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह। भूलना नहीं, तुम्हारा मकसद इस ख्वाब में पोशीदा है जो तुमने देखा था उस्मान बेटा। बिल्कुल इसी तरह यूसुफ नामी शायर ने एक दिन कहा था, तुम वहां पहुंचोगे जहां तुम्हारा दिल चाहेगा। इस मुकद्दस राह में तुम अपनी तवज्जो रिवायात, सच्चाई और इंसाफ पर मरकूज रख सकोगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तुम्हारी सरदारी का चोहा और कुशादा हो सके उस्मान बेटा। वो रियासत जो तुमने ख्वाब में देखी वो हकीकत बन जाए, ये मेरी दुआ है। आमीन। वो चांद जो तुमने ख्वाब में देखा, जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था, दुनिया पर हुक्मरानी करने वाली नस्ल की रोशनी बन जाए। आला जा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बाला खातून को बुलाओ, उस्मान साहब सोत में है, उन्हें खबर। ठीक है, आप यहाँ बैठे, मैं बुलाती हूँ। जल्दी बुला कर लाओ आला जा। जी जी। या मेरे अल्लाह, उस्मान को वारिस दे दे, एक नेक औलाद मिले। ये अल्लाह का मौजज़ा है बाला खातून। बाला खातून, मलहून खातून की तबीयत खराब हो गई, जल्दी चलो। हाँ, हाँ, बाला। हाँ, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ मैं। आ जाओ, जल्दी चलते हैं वहां, चलो।
उस्मान साहब। खैरियत है? मलहून खातून, वक्त आ गया है। क्या कह रही हो ये? सब खैरियत है भाईजान? बहुत जल्द आप खुशखबरी सुनेंगे, बहुत जल्द मेरे भाई। हाय माशा। अल्लाह हमें भी बच्चा अदा करेगा खातून, ना सिर्फ एक बल्कि तीन या पांच। दुआ करते हैं कि अच्छे बच्चे अदा करें चरखुदाई। इंशाल्लाह मेरी आंखों की रोशनी, इंशाल्लाह। ऐ मेरे अल्लाह, दुआ है कि हमें नरीना औलाद अता फरमा और बाला को भी औलाद अता फरमा। आपका बेटा तंदुरुस्त पैदा हुआ है और उसकी मां भी बिल्कुल ठीक है। बाला, अल्लाह ने आपको वारिस अता किया उस्मान साहब। तुमने सिर्फ मुझे औलाद नहीं, पूरा जहान दिया है। इसे लीजिए, इसे गोद में लीजिए और अपने बाबा बनने के आरज़ू को पूरी कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Hey.
अल्लाह तेरा शुक्र है। तेरा शुक्र है। सब्र किया मेरी बच्ची, अब इस इम्तिहान में भी सब्र से काम लो, बेशक मेरा रब तुम्हें देखता है और तुम्हारी दुआओं को भी सुनता है। बिलाशुबा अल्लाह हमारी दुआएं सुनता है। का नाम ओरहान रखना चाहता हूं। उस्मान साहब, ओरहान का मतलब क्या होता है? शहरों को फतह करने वाला, शहरों को आबाद करने वाला और एक इंसाफ पसंद हुक्मरान। आपने इसे नाम दिया, अल्लाह इसे लंबी जिंदगी दे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अपने नाम की तरह काबिल बने, खुशगवार जिंदगी नसीब हो इंशाल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सला, हय्या अलस सला, हय्या अलल फला, हय्या अलल फला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, أشهد أن محمد رسول الله. هيا للصلاة، هيا للصلاة، هيا على الفلاح، هيا على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. तुम्हारा नाम ओरहान है, तुम्हारा नाम ओरहान है, तुम्हारा नाम ओरहान है। ऐ फरजंद, तुम्हारा नाम बाबा अर्तुरुल गाजी के जानशीन उस्मान साहब ने रखा है।
अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे, जन्नत के फरिश्ते और लोग ये जानते हैं कि तुम्हारा नाम औरहान है। माशाल्लाह औरहान बेटा, खैर तो है, काफी थकी हुई लग रही हो। किस्सा इब्राहिम से तसल्ली दी थी बाबा ने मुझे। मैं उम्मीद से हूं उस्मान। क्या कह रही हो? ये हमारा अपना बच्चा होगा। क्या वाकई सच कह रही हो तुम बाला? हाँ, माँ बनूंगी। ए माशाल्लाह, अल्लाह 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 अल्लाह, माशाल्लाह बाला बाला बाला। बाला, मैंने क्या कहा था तुमसे, मेरा रब दुआ कबूल करेगा एक दिन। बिल्कुल ऐसे ही कहा था। ये सब एक इम्तिहान था मेरे उस्मान, सबर से आजमाया गया और दुआएं कबूल हुई हमारी। ऐसा ही है, वो वक्त आएगा कि हमारे बच्चे एक दूसरे के साथ जंगों में शरीक होंगे और ये बच्चे अर्तुरुल गाजी का झंडा उठा के जुल्म करने वालों पर बिजली की तरह बरस जाएंगे। इंशाल्लाह मेरे उस्मान, इंशाल्लाह। आज बहुत खुशी मिली है हमें, आपका बेटा औरहान आपके साथ अकेला नहीं होगा अब। बाला, रियासत के वजूद का वक्तान पहुंचा है और अब हमारी रियासत के सामने ये पूरी दुनिया घुटने टेकेगी इंशाल्लाह। ये वो वक्त है कि हमारी जड़ें चनार के दरख्त की तरह मजबूत होंगी। अब ये रियासत के वजूद का वक्त है।